हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। और बेसिकली हमने पढ़ लिया था कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या है, एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव उसका ले लिया था। और ये भी जान लिया था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 क्या कहता है, मतलब कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट के लिए है। और बेसिकली वो ये बताता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ स्किल होना चाहिए और आप वहाँ जाओगे तो क्या फैक्टर्स एक्स्ट्रा देखोगे मैनुअल अकाउंटिंग से, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा। और जो प्रोसीजर्स आप वहाँ पर यूज़ करोगे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स होंगे। और बेसिकली वहाँ पर सारी चीज़ें लॉजिकल हो जाती हैं, पहले क्या है फिज़िकल होती थी, अब लॉजिकल हो जाती है। तो लॉजिकल कंट्रोल्स होंगे, कंट्रोल्स जो होंगे सिस्टम के अंदर लॉजिकली घुसकर देखना पड़ेगा, तो यानी कि सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर का ऑडिट करना पड़ेगा। तो लॉजिकल मेथड्स यूज़ करनी पड़ेंगी ऑडिट करने के लिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्ट कर सकते हो। और एज एन ऑडिटर आपको एविडेंस रखना पड़ेगा और तभी एक सफिशिएंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कैसा एविडेंस? सफिशिएंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऑडिट एविडेंस का सफिशिएंट होना और रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, और उसी के बेसिस पर आप अपनी ऑडिट ओपिनियन दोगे और वही आपका डिलीवरेबल होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ कैट क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक अलग अलग कौन कौन सी टाइप की है। पहला जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं, दूसरा स्पेशलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। हमने ये पढ़ा था कि स्पेशलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर पॉसिबल नहीं है, स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यानी कि जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए होते हैं और कई बार सिस्टम के अंदर एम्बेडेड कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। आज की डेट में कहां आ गया है, डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड हो गया है, सारा का सारा डेटाबेस जैसा हम कई बार कह चुके हैं एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो चुका है और एक जगह पर हो गया है। और आज जितनी ट्रांजेक्शन होते हैं ये माना जा रहा है कि आज से 10 साल या 15 साल बाद वो ट्रांजेक्शन्स ईयरली ट्रांजेक्शन एक आपके उतने एरिया में आ जाएंगे जितने एरिया में पेन ड्राइव आप होते हो, उतने एरिया में आ जाएंगे वो ट्रांजेक्शन, साल भर के ट्रांजेक्शन। कई लोगों का मानना है 20 साल में आएंगे, कई लोगों का मानना है 10 साल में आएंगे। तो हम एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि रिस्क कितना बढ़ गया है, और दूसरा हम ये विजुलाइजेशन कर सकते हैं कि एक जगह पर सारा ट्रांजेक्शन आ गया है, अब वहाँ पर हम स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स लगा सकते हैं। मतलब अगर सारा का सारा ट्रांजेक्शन, जो बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन है, अगर आप आज जो हार्ड ड्राइव आती है 7 TB की हार्ड ड्राइव आती है, वो करीब 5 इंच लंबी 5 इंच चौड़ी होती है, 5 या 7 इंच लंबी 7 इंच चौड़ी होती है वो करीब। तो उस 7 इंच लंबी या 5 इंच लंबी 5 इंच चौड़ी हार्ड ड्राइव में जिसमें 7 TB रखते हो, कल की डेट में मालूम पड़ा उसमें आप पीटाबाइट्स रख सकोगे कुछ। तो जब आप उसमें पीटाबाइट्स रख सकोगे तो उसमें क्या है कि आप डेटा जो है बैंक वगैरह इनका जो सर्वर का डेटा है उतनी सी जगह में आने लगेगा, तो वहाँ पर हम एम्बेडेड वो डेटाबेस उतने एरिया में आने लगेगा। तो आज भी और तब भी हम एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि जो डेटा होता था हर बैंक के ट्रांजैक्शन का डेटा उसकी ब्रांच में होता था, वहाँ पर एक अकाउंटेंट होता था, वो मैनुअली काम करता था, वो उसको बुक किताब लिखता था, शाम को लेजर पोस्टिंग करता था और मंथ एंड में क्लोजिंग वगैरह की जाती थी उसकी। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, आज की डेट में सेंट्रलाइज्ड डेटा भी सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। और उसका रीज़न ये है कि आज की अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं होगा तो आप ATM का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा ATM, आप कहीं भी जाकर आपका एक अकाउंट हो किसी भी ब्रांच में खुलो और कहीं पर भी जाकर पैसा निकालो, ऐसा तभी पॉसिबल है जब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो। और जब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो, सारा डेटा एक जगह पर है, तो आप इसमें स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। दूसरा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक में, वहाँ पर आप स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो और बैंक में एम्बेडेड मॉड्यूल डाल सकते हो। यानी कि मॉड्यूल उसमें है, वो कॉन्स्टेंटली रियल टाइम में ऑडिटिंग कर रहा है। यानी पहले क्या होता था, ऑडिटर जाता था, बुक्स को देखता था, खोलता था, उसको कैलकुलेट करता था। अब आपने क्या किया, उस ऑडिटर का काम कम कर दिया, आपने उसमें एम्बेडेड स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर लगा दिया और वो रियल टाइम चेक कर रहा है,
कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको दे दे रहा है। जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन क्या करता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो क्या करता है, अगर कोई वायरस अगर आ रहा है या कोई एबनॉर्मल कहीं से मैसेजेस आ रहे हैं या नंबर ऑफ मैसेजेस किसी पर्टिकुलर जगह से एबनॉर्मल हो गए या कोई पर्टिकुलर उसमें उसके क्राइटेरिया में मीट नहीं कर रहे हैं तो वो अलार्म रेज कर देता है। कई बार क्या होता है कि एंटीवायरस को अलार्म रेज करता है, तो एंटीवायरस जो होता है अंदर ही अंदर हो जाता है, लॉजिकली कई बार हो जाता है, और कई बार क्या होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को अलार्म रेज कर देता है कि भैया ऐसा है एबनॉर्मल ट्रैफिक आ रहा है, अफ्रीका से इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, ये तो ये पॉसिबल नहीं है, अफ्रीका की एक पर्टिकुलर जगह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक आने लगे। मान लिया सपोज वो रीजनेबल ट्रैफिक है, सही ट्रैफिक है, कभी कभी होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह से एक पर्टिकुलर ट्रैफिक ज़्यादा आता है, तो उसने चेक किया, पैरामीटर्स चेक किया और पैरामीटर्स वायलेट हो गए और उसने इन्फॉर्मेशन दे दी आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने मतलब अलर्ट कर दिया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, उसको मेल आ गया या जो भी है जिस तरीके से अलर्ट किया, और फिर उसने करेक्टिव एक्शन लेना स्टार्ट किया। मतलब आईडीएस है डिटेक्टिव डिटेक्टिव कंट्रोल, तो उसी तरीके से हम एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगा देते हैं, वो जनरली डिटेक्टिव कंट्रोल होगा, डिटेक्ट करता रहेगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है और ऑडिटर को बता देगा, तो ये वो रियल टाइम डिटेक्शन करेगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में भी अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो वो वहाँ पर भी ऐसा होता है, बैंक्स जो हैं जैसा हम जानते हैं कि बैंक्स जो हैं लोन्स देते हैं और लोन्स एक पर्टिकुलर डे से ज़्यादा हो जाता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मतलब अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम से आपको सर्विसिंग नहीं कर रहा हो, उसकी इंटरेस्ट नहीं दे रहा आपको, एक आपने किसी को लोन दिया और वो पिछले साल भर से आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो लोन की सर्विसिंग नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग हो गया, परफॉर्म नहीं कर रहा, वो एक एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि उस एसेट का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो उसके क्राइटेरिया हैं बैंक्स में, आरबीआई ने क्राइटेरिया दिए हुए हैं, वो क्राइटेरिया हम लोगों को पता है, और बैंक में ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज डेटाबेस में ऑब्वियसली लोन के बारे में भी डिटेल्स होंगी, उस लोन के डिटेल्स को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए पहले क्या होता था कि जो बैंक की ब्रांचेज होती थी, ब्रांचेज में क्या होते थे, ब्रांच मैनेजर होते थे, वो इनके वो पैसे वो उनके दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, वो हाईलाइट नहीं करते थे ये सारी चीज़ें, कई बार वो लोन दिलाते थे, लोन में कई बार कमीशन्स होते थे, और उन कमीशन्स जो कमीशन वगैरह है ये है वो, उसके बाद लोन दिला दिया उन्हीं के आदमी हैं, और फिर उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग हो गया, कोई बात नहीं, लेजर में उसको हाईलाइट ही नहीं किया, जो आपका ऑडिटर आया वो नहीं देख पाया, ऑडिटर फटाफट आया वो नहीं देख पाया, उसे मिस आउट हो गया या उसको वो बुक्स बाद में दी और समथिंग लाइक दैट, वो दे यूज़ टू मैनेज दैट पर्टिकुलर थिंग, और उसका रिजल्ट क्या होता था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाते थे, बाद में पता चल जाता था, कई बार आदमी अनट्रेसेबल हो जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते ही अलर्ट हो, ऑटोमेटिक अलर्ट्स हो जाते हैं बैंक में, ऑटोमेटिकली सारे को सेंट्रलाइज आपकी शाखा से लेकर हेड ऑफिस तक पता होता है कि कौन नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। शाखा ग्लोबल व्यू देखेगी, यानी ब्रांच देखेगी, ब्रांच एज अ होल देखेगी, तो ब्रांच एज अ होल नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाने चाहिए। मतलब तो ये कहें कि जो स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जो है, स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर की, स्टैंडर्डाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेशल ऑडिट पर्पसेस या पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड आईटी एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिक्स मैं कंट्रोल्स को आप टेस्ट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप कंट्रोल कर रहे हो, टेस्ट को कंट्रोल कर रहे हो, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में कर रहे हो जिसकी आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। कंट्रोल्स हर एक को, कंट्रोल्स बेसिकली क्या हैं, कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल कंट्रोल्स हैं, यानी कोड्स हैं, कोड्स क्या हैं, 0101 है, मतलब बाइनरी के फॉर्म में वहाँ पर डिजिट्स लगे हुए हैं, वही कोड्स हैं, वही सॉफ्टवेयर है, वही डेटा है, और वो जब डेटा मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, तो बेसिकली लॉजिकली क्या चीज़ चल रही है, लॉजिकली फाइनली अल्टीमेटली अगर स्ट्रिप टू, अगर आपको स्ट्रिप करोगे सारी चीज़ों को, मतलब उखाड़ोगे, तो अल्टीमेटली क्या देखोगे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जा रहा है, डेटा इन ट्रांजिट क्या है, डेटा इन ट्रांजिट है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, जो डेटा जा रहा है कहीं पर भी डेटा जा रहा हो, लोकल एरिया में नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा मूव कर रहा हो, आपके मोबाइल से लेकर दूसरे मोबाइल में डेटा जा रहा हो,
वो डेटा बेसिकली क्या है, वो डेटा इन ट्रांजिट है, वो डेटा, लेकिन वो बेसिकली है क्या, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, आइदर वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का मतलब 200 वोल्ट से 220 वोल्ट जा रही है तो 1, और 12 वोल्ट से 14 या इस तरीके से वोल्ट जा रही है तो वो 0 कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जा रहा है, डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, डिस्क्रीट सिग्नल्स जा रहे हैं, यानी कि पल्स गई 1, पल्स नहीं गई 0, पल्स गई 1, फिर पल्स गई 1, फिर पल्स गई। तो इसके अलावा जो डेटा रखा हुआ वो क्या है, 010101 से रखे हुए हैं। सॉफ्टवेयर कोड क्या है, फाइनली बाइनरी में, मशीन लैंग्वेज में आप देखो, नीचे मशीन लैंग्वेज जो है बाइनरी है, मशीन बाइनरी समझती है और कुछ नहीं समझती है। और उसके रीज़न भी हैं, उसका सिंपल सा रीज़न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इस तरीके से है कि इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, अगर 01 के अलावा और चीज़ें करोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, एरर्स बहुत ज़्यादा होंगे, कंप्यूटर एरर करने लगेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक लाइट हाउस होता है, मतलब एक शिप जा रहा होता है, जैसे आजकल तो GPS सिस्टम्स वगैरह हैं, पिन पॉइंट हो जाती, पहले क्या होता था GPS सिस्टम नहीं होते थे शिप में, तो बोले लाइट हाउस होते थे, वो लाइट जलती रहती थी, शिप दूर से दिखता था उस लाइट को, भले ही फॉग है, तूफान आ रहा है, कुछ हो रहा है, उसको लाइट दिखाई देती थी, वो लाइट ऑन ऑफ होती रहती थी एक फ्रीक्वेंसी से। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल्स हैं, एक वायर में अगर आपका डेटा मूव कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स रेडिएशंस भी हो सकते हैं, मतलब वो जनरेट करता है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो जनरेट करेगा वो एक तरह से ये समझ लो वो बेसिकली तूफान या जब धुंध का मौसम होता है उस तरीके की चीज़ है, और उसमें ये डेटा मूव कर रहा है, तो उसमें ऑन ऑफ दो ही स्टेज रखी जाती है ताकि एफिशिएंसी मेंटेन करी जाए। तो बेसिकली क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जैसे यूनिक्स एनवायरनमेंट है, उसे कंट्रोल्स को देख रहे हो, या किसी दूसरे एनवायरनमेंट में कंट्रोल्स को देख रहे हो, तो हर एक एनवायरनमेंट में कोडिंग अलग तरीके से होती है, उसकी लैंग्वेज अलग तरीके से होती है, तो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, या फिर ऐसा है जैसे फोरेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जो फोरेक्स मार्केट होती है, कॉल मार्केट होती है, पर्टिकुलरली कॉल मार्केट में क्या होता है, बैंक्स आपस में पैसा का लेन देन करते हैं। असल में क्या होता है कि बैंक के पास, अगर मान लिया सपोज एक बैंक के पास कुछ कम पैसा है और दूसरे बैंक के पास कुछ ज़्यादा पैसा है, तो शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, एक दिन के, दो दिन के, चार दिन के लोन, और ये लोन 18% से 25% के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं, कि 30% भी जाते हैं और उससे ऊपर भी जाते हैं, मिनिमम 18, नॉर्मल रेट से वो 6% 8% ज़्यादा होते हैं, और एक दो दिन का लोन होता है, एक दो दिन, चार दिन, हफ्ते भर का, इस तरीके से बहुत शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। तो वहाँ पर ओवरनाइट डील्स होती हैं, यानी ओवरनाइट डील्स होती है बैंक्स के बीच में या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो वो कॉल मार्केट में जो सॉफ्टवेयर लगा है, या फोरेक्स मार्केट में जो रखा है, फोरेक्स मार्केट में भी, फोरेक्स मार्केट में अगर जैसे बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक है, हमारा सेंट्रल बैंक दूसरे सेंट्रल बैंक से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर लगा होता है, वहाँ पर एरर के चांसेस नहीं होते हैं, वहाँ पर एरर के चांसेस, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन एरिया होता है वो, तो मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स कहाँ रखे जाएंगे, वहीं रखे जाएंगे जहाँ क्रिटिकल एप्लीकेशन होंगे, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन होंगे। तो मिशन जहाँ पर मिशन की क्रिटिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर रखे जाएंगे, और ये स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या देखेंगे, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी देखेंगे, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, और बेसिकली इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी पर उसका ज़्यादा इम्फेसिस होगा, और कॉन्फिडेंशियलिटी से भी ज़्यादा इंटेग्रिटी पर होगा, प्रोसेसिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, एम्बेडेड मॉड्यूल्स ये देखेंगे प्रोसेसिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि डेटा आता जा रहा है, वॉल्यूम्स ऑफ डेटा हाई है, अगर उसमें प्रोसेसिंग सही नहीं हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब लॉजिकल कंट्रोल्स तो मजबूत होते ही हैं वहाँ पर, लॉजिकल कंट्रोल्स तो आपने एक बार बना दिए तो मजबूत होते हैं, आप उसको हफ्ते भर या 10 दिन या साल भर में या 6 महीने में या 3 महीने में जब आप ऑडिट करने जाओगे उनको टेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो डेटा आ रहा है वो कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, तो उसकी बेसिकली इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ किया जाता है। अब स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर नहीं कह रहा हूँ, स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर डेवलप करना बहुत मुश्किल है,
स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर का ये इसलिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर इजीली डेवलप मतलब ये डेवलप करने में तो डिफ़िकल्टी होती है लेकिन उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहती है वहाँ पर। अगर कॉल मार्केट है तो उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो हज़ारों करोड़ में जाते हैं, तो हज़ारों करोड़ के लिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, कोई खास कॉस्ट नहीं लगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक के, वो भी ऐसे ही जाते हैं। तो मालूम पड़ा आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर की टीम लगा दी वहाँ पर, क्योंकि 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 4x मार्केट है, इन सब अमाउंट के ट्रांजेक्शन की बात है। तो आपने अगर मान लिया एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ होती है, मैसिव कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मैसिव सिक्योरिटी यूज़ होती है, अगर वहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज भी हो रहा है, मैसिवली चेंज हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपने एक सॉफ्टवेयर की टीम डेवलपर की टीम लगा रखी है जो उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करती रहेगी, अपग्रेड करती रहेगी, और उसमें क्या है कि टेक्निकल ऑडिट्स होते रहेंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आप इथिकल हैकिंग भी रख सकते हो वहाँ पर, जो इथिकल हैकर से उनको रख सकते हो कि अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर है वो टेस्ट कंडीशन में उसे पेनिट्रेट करने की कोशिश करे, उनके लिए प्राइस रख सकते हो। अगर सॉफ्टवेयर वो मेंटेन कर रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर आ गया, उन्होंने लगाया एक टेस्ट कंडीशन में टेस्ट डेटा रखा हुआ है, इथिकल हैकर्स को कहा कि भाई अगर तुम इसे हैक कर दोगे तो कुछ लाख रुपए का प्राइजेज और समथिंग लाइक दैट इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेमुनरेशन, कुछ जो है लाख रुपए का जो प्राइज है उन्हें दे दिया जाएगा। तो यानी कि बेसिकली क्या है, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है, स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बेसिकली क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो है, जो भिन्न विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं उसमें हम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर काम करेगा, सॉफ्टवेयर कोई एक पर्टिकुलर जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर होगा तो वो कंप्यूटर की लाइव फाइल्स की प्रोसेसिंग देख सकता है, यानी जैसे वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हो रही है उसकी प्रोसेसिंग को देख सकता है। अब अंदर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चल रहे हैं, आपका डेटा CPU में जा रहा है, आपका जो तो डेटा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह में, डेटा की कैशिंग हो रही है, L3 कैश में कुछ है, L2 कैश में, L1 कैश में है, और फिर वहाँ से डेटा मूव कर गया, मालूम पड़ा आपका CPU में मूव कर गया, और सबसे पहले गया वो कंट्रोल यूनिट में, फिर गया आपका कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हुई तो उसमें गया। तो कहने का मतलब ये डेटा क्या मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, मतलब वो बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, और CPU में ट्रांजिस्टर्स हैं वो ऑन ऑफ हो रहे हैं, मतलब वो चार्ज, उनमें चार्ज है चार्ज नहीं है, वो ऑन है वो ऑफ है, अगर ऑन है तो 1 है, ऑफ है तो 0 है, और इसी तरीके से सारी की सारी कैलकुलेशन हो रही है। और वहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं जो बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती हैं, वो डेटा को कुछ समय होल्ड करते हैं, और एक्यूमुलेटर्स होते हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके का काम हो रहा है, ये इन जो सिग्नल्स हैं इनको हम एक तो सिस्टम के अंदर घुस नहीं सकते और उनको देख नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, प्योरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके हम क्या देखेंगे, पॉसिबल ही नहीं। अगर एक हार्ड ड्राइव को हम तोड़ भी दें, हार्ड ड्राइव के अंदर CPU को अगर हम देख लें उसके अंदर तोड़ दें तो हमें एक ट्रांजिस्टर नहीं दिखाई देगा, मतलब उसमें मालूम पड़ा एक CPU में आज की डेट में i7 खरीद लोगे 125 करोड़ ट्रांजिस्टर्स हैं, लेकिन वो ट्रांजिस्टर्स दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके वो जो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उसको हम उसमें प्रोसेसिंग देखेंगे, और ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करके, ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है हमें उसको देखने में हेल्प करेगा। तो यानी कि सबसे पहले हम प्रोसेसिंग देख सकते हैं जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर से, और कैसे प्रोसेसिंग देते हैं, लाइव फाइल्स की प्रोसेसिंग देख सकते हैं, रियल टाइम में प्रोसेसिंग देख सकते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, मालूम पड़ा टैली शैली है या कोई दूसरा प्रोग्राम है, तो रियल टाइम में हम उसको उसकी प्रोसेसिंग देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कंप्लायंस और सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि हम कंट्रोल्स देख सकते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल सही हैं कि नहीं सही हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या हैं, बेसिकली कंप्लायंस टेस्ट ऑफ सॉरी कंट्रोल्स लगे हुए हैं, बेसिकली कंप्लायंस टेस्टिंग क्या होगी, इन्हीं कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे, ये कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं स्ट्रॉन्ग है, उसमें उसका लॉजिक चेक कर सकते हैं कि लॉजिक सही है कि नहीं सही है।
एक तो हो गया इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हैं, और दूसरा है कि उसकी प्रोसेसिंग चेक कर सकते हैं, उसके कोड्स को देख सकते हैं। प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसा है कि वो ऐसा है कि मालूम पड़ा आपने आप कोई प्रोग्राम बनाया और रखा, वो अब मालूम पड़ा जो प्रोग्राम बनाया है वो जो जो सेव किया है प्रोग्राम लाइब्रेरी में, जो प्रोग्राम सेव कर रखा है उसमें ट्रोजन हॉर्स नहीं है, ट्रोजन प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब कंप्यूटर के अंदर वो कोड है सॉफ्टवेयर के रूप में, वो कोड आप अपलोड हुआ है मशीन में, तो वहाँ पर वो उसमें ट्रोजन भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है डिज़ाइनर ने और वो जो प्रोग्राम रखा हुआ है उन वो सेम है कि डिफरेंट है? तो उसके लिए आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, अंदर कोड्स को चेक करना पड़ेगा, कोड्स का वर्जन भी कई बार चेंज हो जाता है, कहीं पुराना वर्जन तो नहीं है, मतलब आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, बनाया, सब कुछ किया, लेकिन बंदा छोड़ के चला गया और ये कह के चला गया कि ठीक है मैंने अपडेट कर दिया है, लेकिन जाने के बाद वो प्रोग्राम अपडेट नहीं हुआ, बाद में क्या है दूसरा प्रोग्रामर आएगा उसे कैसे पता चलेगा, उसने वो भी भूल गया अपडेट करना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वही प्रोग्राम है, अपडेटेड प्रोग्राम है कि नहीं है? तो उसके लिए आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, ये और जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कंप्लायंस टेस्टिंग करनी की पड़ेगी, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में क्या करते हो, ट्रांजैक्शन चेक करते हो, तो ट्रांजैक्शन जब चेक करोगे तो क्या है आपका जो डेटा होता है वो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह रखा जाता है, तो आप वहीं से डेटा उठा लोगे, और डेटा मैंने बोला किस के कैसे रखा जाता है, 0101 के टर्म्स में रखा जाता है, तो हार्ड ड्राइव में रखा होगा डेटा, तो उसमें क्या है कि 0101 के टर्म्स में रखा होगा, वही डेटा आप उठा लोगे वहाँ से, सोर्स से उठा लोगे उस डेटा को, मतलब उसके बाद फिर आप उसमें उसको देखोगे कि भाई ये जनरलाइज कंप्यूटर प्रोग्राम जो है आपके प्रोसेसिंग फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे डेटा को रीड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, परफॉर्म कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उसके बाद क्या है कि पर्टिकुलर उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह जो भी आपने उसको कमांड दी, मतलब उसमें स्पेशलाइज मीनू ड्रिवन होता है असल में, जैसे विंडो होता है मीनू ड्रिवन, वैसे ही वो मीनू ड्रिवन होते हैं, तो आपने उनको मीनू ड्रिवन कमांड्स में बता दिया मेरे को क्या चाहिए, उसने प्रोसेसिंग करके आपको डेटा दे दिया, उसी फॉर्मेट में दे दिया जिस फॉर्मेट आपको चाहिए। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज़ आपको सेल्स देखनी है और आपने कहा कि जी सेल्स का डेटा आपने निकाला और आपने कहा कि सेल्स का एक ग्राफ बना के मुझे दे दो, ग्राफ बना के दे दिया, मंथली ग्राफ बना के दे दो, उसने मंथली ग्राफ दे दिया, आपको पता है कि एक टाइम में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया था और स्पाइक आना चाहिए एक पर्टिकुलर मंथ में, स्पाइक आया कि नहीं आया आपने उसको इंस्टेंटली देख लिया और आपको पता चल गया कि डेटा सही है कि नहीं सही है, उसके बाद आपने कहा इसकी इफ़ेक्ट यही आएगा इस टाइम पर क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा थे तो इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी और ऐसा है क्या कहते हैं माल हमें ख़रीदना पड़ा था उसके लिए हमें अगले महीने हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट करना पड़ा था, तो यानी कि आप ये देख लोगे कि बैंक के डेबिट्स देख लोगे, क्रेडिट्स भी बढ़ जाने चाहिए, डेबिट्स भी, सेल्स का पैसा आया उससे आपने सर्विसिंग की या जो भी जिस तरीके से की, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपको पता है वो आप एनालिटिकली उसे देख लोगे क्योंकि डाटा उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए होगा। तो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनरलाइज्ड बेसिकली दो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन ACL और आइडिया जो है कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं, और ACL जो है ऑडिट कमांड लैंग्वेज कहा जाता है, आइडिया जो है इंटरेक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस है और ये काफ़ी यूज़ होते हैं, इवन एक्सेल जो है आपका वो एक टाइप ऑफ जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर आप उसे कह सकते हो। तो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर आजकल ऑफ द शेल्फ यानी आप मार्केट में जाओगे वो अवेलेबल हैं, और बेसिकली क्या है ये स्टैंडर्ड पैकेजेस हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज इन्हें डेवलप करती हैं और उसके बाद इनको अपडेट करती हैं, इनके भी अलग अलग वर्जन्स हैं और आप इसे अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, लैपटॉप्स में कर सकते हो और ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं, मतलब आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिकल हैं और ऑडिटर जो हैं इन्हें एक्सटेंसिवली आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट डिपेंडेंट नहीं होते हैं,
कोई भी इन्वायरमेंट है, ये पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देंगे। जैसे कैश पेमेंट अगर एक एक्सेस हो, एक लिमिट से एक्सेस में हो रहा है कैश पेमेंट, जैसे इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई करके दे देगा, नहीं तो आपका 20% का एडिशन हो जाएगा उसमें। अगर मान लीजिए सपोज 180 डेज़ के रिसीवेज से ज़्यादा के रिसीवेबल्स हैं, या 90 डेज़ से ज़्यादा के रिसीवेबल्स हैं, या पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा के रिसीवेबल्स हैं, तो आपको बता देगा। क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक तो 30-40 दिन का या 60 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, पहले से ही 30 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। मतलब अगर आपने माल बेचा तो वो कस्टमर 30 दिन के अंदर पैसा देगा। मालूम पड़ा 30 दिन भी नहीं दिया, उसके बाद भी नंबर लगा दिए, टाइम लगा दिया उसने, तो उसमें क्या है कि ओवरड्यूज हो जाते हैं। ओवरड्यूज में क्या है, कितने दिन का ओवरड्यूज हुआ, उसमें एक आपने लिमिट बना दी कि भाई क्रेडिट पीरियड ख़त्म होने के बाद 90 दिन बाद या 180 डेज़ बाद आप के रिसीवेबल्स निकाल दो, क्योंकि वो रिसीवेबल्स जो है उनकी सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन में डाउट आ जाता है। मतलब बेसिकली वो एसेट की जगह वो अब उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, वो लॉसेस हो जाते हैं, उनको वो एसेट नहीं रहते हैं, अब उन्हें राइट ऑफ करना पड़ेगा, वो लॉसेस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं कई। तो आपको देखने हैं वो रिसीवेबल्स, आप उसमें से निकलवा सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, घोस्ट एम्प्लॉयज़ को पता कर लेते हो पेरोल में, जैसे सत्यम वगैरह में हुआ। तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ किए, अगर सत्यम जैसी कंपनी में कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता तो वो फ्रॉड पकड़ा जाता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे घोस्ट एम्प्लॉयज़ थे। तो कहने का मतलब ये है कि और भी कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या है कि आपका ईआरपी है, ईआरपी में आप पता कर लो, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज़ करो, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ करो, लॉजिकली उसमें घुसो, देखो कितने आपके लॉगिन्स कितने हैं। मालूम पड़ा कंपनी में बंदे 15 हैं, लॉगिन 17 हैं। क्यों? दो आदमी छोड़कर चले गए, उनका लॉगिन, उनका उन्होंने वो अभी डीएक्टिवेट नहीं किया, तो वो डीएक्टिवेटेड की लिस्ट में नहीं डाला है उन्होंने, तो उससे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। मतलब आपको ये देखना है कि जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी डीएक्टिवेट हो रही है कि नहीं हो रही है, और ऐसा होता है एम्प्लॉय आईडी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी हुई हैं, मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग बनाया है कि नहीं बनाया है, कि अगर एम्प्लॉय आईडी को आपने डीएक्टिवेट कर दिया पर्टिकुलरली, तो उससे रिलेटेड जितने रिसोर्सेज, जो लॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कंपनी में जाते हो, कंपनी में जाते ही मालूम पड़ा आपने बायोमेट्रिक सिस्टम में उंगली लगाई, उसने आपको अंदर जाने दिया, आपका एक्सेस कार्ड है, आपने एक्सेस कार्ड दिखाया और उसके बाद बायोमेट्रिक्स लगाया और फिर उसके बाद कंपनी के अंदर चले गए, या आयरिस स्कैन है तो आयरिस स्कैन किया और आँखों का स्कैन किया और उसके बाद कंपनी में चले गए और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चले गए, और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मतलब आईटी के बंदे हो तो आईटी के सर्वर रूम में जाने की आपको अथॉरिटी है सपोज उस पर्टिकुलर पासवर्ड से। उसके बाद आपने मेल ओपन किया, मेल में आपने एक पर्टिकुलर पासवर्ड डाला, उसके बाद मालूम पड़ा आपको अपना सैलरी स्लिप निकालनी है, तो आपने वेबसाइट खोली और अपने एचआर के मॉड्यूल में गए और वहाँ पर अपनी वो देख ली, आपने अपना पे स्लिप देख ली। अगर मान लिया सपोज़ आपको उसमें पैन नंबर नहीं झलक रहा है तो आपने मेल कर दिया, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में गए एचआर के, मेल कर दिया। उसके बाद मालूम पड़ा अगर मान लिया सपोज आपको अटेंडेंस अपनी डालनी है या कोई चीज़ डालनी है, आपने ऑटोमेटिकली सिस्टम में डाल दी, या आप कहीं बाहर अंदर गए तो आपने कन्वेंस की डिटेल और उसके बिल्स का स्कैन कॉपी डाल दी और जो हार्ड कॉपी है वो कुरियर कर दी फाइनेंस डिपार्टमेंट को, या एक पर्टिकुलर उसमें डाल दी, बॉक्स में डाल दी, जो होते हैं बॉक्स होते हैं कई ऑर्गेनाइजेशन में, बॉक्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद वो जो आपकी कन्वेंस है वो हायर लेवल पर गया, आपके बॉस के पास गया, उसने अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद वो फाइनली डिपार्टमेंट के पास ऑटोमेटिकली मेल आ गई और उसने वो आपको मंथ के एंड में पेमेंट कर दिया, बस सब्जेक्ट टू द आपके हार्ड कॉपी बिल, सही तरीके से उन्होंने स्क्रूटनी की और सही है तो उसने आपको पेमेंट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इन केसेस में सारी की सारी चीज़ें लॉजिकल चल रही हैं, मतलब आपके पास एक्सेस राइट्स हैं पर्टिकुलर सिस्टम्स के, और कल की डेट में अचानक आप कंपनी को रिज़ाइन कर देते हो और छोड़कर चले जाते हो, तो जिस दिन आप कंपनी को छोड़ के जा रहे हो, जो आपका लास्ट दिन है, उसके शाम को डीएक्टिवेशन हो जाना चाहिए। अगर वो डीएक्टिवेशन नहीं हुआ है उस शाम को,
तो मतलब प्रॉब्लम है, मतलब वो शाम को आपका डीएक्टिवेशन हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत एसेंशियल टूल हो गए हैं। क्यों एसेंशियल टूल हो गए हैं? क्योंकि लॉजिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप तो लॉजिकली ऑडिट कर नहीं सकता, तो सब्सटेंटिव और ऑडिट कंप्लायंस प्रोसीजर्स अपनाने के लिए उसे जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। और कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, काफ़ी लिस्ट बता दी है कि क्या क्या कर सकता है। और कंप्लायंस प्रोसीजर्स जो है वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स देखेगा उसके अंदर घुसकर, लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुस के, और उसको जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ये कहता है कि भैया अगर आप किसी कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हो और वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है तो आपको उसकी प्रोसेसिंग भी चेक करनी है। हम अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, वो ये कहता है कि आपको उतने रीजनेबल स्किल होनी चाहिए कि आप उसको देख, उसको रीजनेबल स्किल और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि आपके उसके हर एस्पेक्ट को ऑडिट कर सके। तो प्रोसेसिंग ही अगर आपने उसकी ऑडिट नहीं की और वहाँ पर कोई ट्रोजन प्रोग्राम है या कोई एम्बेडेड प्रोग्राम है कोई जिसकी वजह से प्रोसेसिंग वॉयलेशन हो रहा है, आउटपुट गलत निकलना स्टार्ट हो जाए बाद में, या पर्टिकुलर टाइम पर आउटपुट गलत निकल रहा हो, या जैसे हमने बताया था स्लाइसिंग टेक्निक में कि बैंक में फ्रॉड कर दिया था स्लाइसिंग टेक्निक्स की वजह से, तो इस तरीके के कोई प्रोग्राम्स तो नहीं है, ये अगर आपके पास देखने की कैपेबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। आपकी ऑडिट ओपिनियन जो आप दे रहे हो वो उसमें रिस्क आपका बढ़ गया है, ऑडिट रिस्क बढ़ गया है, आपकी ऑडिट ओपिनियन आप मटेरियली मिस्टेक हो जाएगी, हो सकती है आप गलत ऑडिट ओपिनियन दे सकते हो, मतलब आप पर रीजनेबली रिलायंस नहीं किया जा सकता है, आप रीजनेबली एश्योर नहीं कर पाओगे मैनेजमेंट को, और 100% तो एश्योरेंस दे ही नहीं सकते, 100% एश्योरेंस की बात नहीं करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है ऑडिटर को, तो आप रीजनेबली एश्योर नहीं कर पाओगे मैनेजमेंट में, यानी कि आप अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। और वो क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपके स्किल्स और कॉम्पिटेंस आपने वो लेकर नहीं आई, और स्किल्स और कॉम्पिटेंस अगर लेकर आई तो आपने जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं किया, यानी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की है, या आपके पास स्किल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है, या आप ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 के विरोध में हो क्योंकि स्किल और कॉम्पिटेंस नहीं है, या अगर स्किल ऑफ कॉम्पिटेंस है तो आपने जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है दोनों ही केस में या तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है या ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 का यूज़ नहीं किया गया है। तो उसमें फिर आप खुद ही जानते हो कोड ऑफ कंडक्ट और ये सारी चीज़ें जानते हो। तो आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को जनरलाइज्ड ऑडिट प्रोडक्ट उसके लिए एसेंशियल टूल हो गया है, क्योंकि मैनुअल इन्वायरमेंट में जिस तरह से ऑडिट होता था उसी के पार पर लाकर खड़ा कर देता है। अब इनके इन टूल्स के थ्रू जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी प्रोसेसिंग, लॉजिकल प्रोसेसिंग देख सकता है, और उसके लिए उसे गैस की नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, उसके स्किल्स और कॉम्पिटेंस इतने होने चाहिए कि वो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर की उसे नॉलेज होनी चाहिए, उसके फंक्शंस के बारे में, सिलेक्शंस, फंक्शनैलिटी, उसकी लिमिटेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी लिमिटेशन क्या है, और किस तरीके से ऑडिट में उसका यूज़ किया जाएगा। मतलब पहले एक्सेल नहीं था, बाद में एक्सेल आया, एक्सेल में डेटा ले लेते हैं तो